हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा जायसवाल स्मार्ट एंड हेल्दी किचन यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं मोबाइल के बारे में, जो कि हम अपने बच्चों की मोबाइल की आदत कैसे छुड़वा सकते हैं। होता क्या है कि आजकल मैक्सिमम लोग जो हैं सर्विस पे जाते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और उसका रिजल्ट ये होता है कि जैसे वो शाम को अपने घर में घुसते हैं, बच्चे उनसे टाइम मांगते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की भी बहुत मजबूरी होती है कि 3 से 4 घंटे उनके पास बच्चे होते हैं घर का काम करने के लिए। उसमें उन्हें शाम का भी करना है, बच्चों का भी करना है और सुबह की भी तैयारी करनी है, क्योंकि सुबह दोबारा से उन्हें जॉब पर जाना है। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। चलो, ये तो वो वाली बात होगी। पैदा होते बच्चे के हाथ में, बच्चा जैसे 1 साल का होता है, बच्चा परेशान कर रहा है, उसको मोबाइल दिखाते हैं, बच्चा उसको देख के अट्रैक्ट होता है, और जब वो अट्रैक्ट होता है तो वो उस चीज़ को मांगता है और आप उसके हाथ में थमा देते हैं। आपको शायद ये मालूम नहीं है कि मोबाइल से कितनी गंदी हार्मफुल रेज निकलती हैं। ये रिसर्च से साबित हो चुका है, वो रेज हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट देती हैं, बैड इफ़ेक्ट देती हैं, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हो कि इतनी बीमारियां लग चुकी हैं जिन बीमारियों की कभी कल्पना भी नहीं करी थी, वैसी वैसी बीमारियां हम लोगों को लगती चली जा रही हैं। शुगर की बीमारी रेयर होती थी, थायराइड की बीमारी रेयर होती थी, आज चौथे बंदे को शुगर भी है, थायराइड भी है, हाइपरटेंशन भी है, डिप्रेशन भी है, अनिद्रा भी है, रात को नींद ही नहीं आती है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई काम नहीं करना बच्चे को, कुछ नहीं करना फिर भी वो फ्रस्ट्रेटेड है। ये सबकी जड़ क्या है? मोबाइल है। दोस्तों, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ, लेकिन एक तो आप लोगों ने ये करना है कि इतने छोटे बच्चे के हाथ में अपने गेम्स देने हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से आपने उसको बहलाना है। इस तरह के गेम्स ला के दीजिए जिसमें बेल बज रही है, कुछ टॉय अपने आप में खेल रहे हैं, इस तरह के टॉयज बहुत आ रहे हैं, आपने इस तरह के गेम्स उनको देने हैं, मोबाइल उनके हाथ में नहीं पकड़ाना है। आजकल 2020, ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ नवंबर 2020 में बना रही हूँ, और इसमें कोरोना ने फिर से पीक पकड़ी हुई है, बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है ऑल ओवर वर्ल्ड की, सभी कोशिश कर रहे हैं इससे बचने की। तो ये जो टाइम है ना, इसमें जब से 2020 स्टार्ट हुआ है तब से वर्क फ्रॉम होम मैक्सिमम पेरेंट्स कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपके पास गोल्डन चांस है कि आप अपने बच्चे की मोबाइल की आदत को छुड़वा सकते हैं। अब वो आप कैसे छुड़वाएंगे? आप कहोगे कि यार, हमें तो वर्क फ्रॉम होम करना है, हमारे लिए तो और ज़्यादा काम बढ़ चुका है, लेकिन ये मैडम हमें मोबाइल से वो उसका छुड़वाने की बात कर रही है। आपका बच्चा आपके आसपास ही घूम रहा है, ठीक है, आप काम भी कर रहे हो, डिस्टर्बेंस होती है, मैं मानती हूँ बहुत दिक्कतें होती हैं, आप काम भी कर रहे हो, लेकिन आप अपने बच्चे से कुछ ऐसी ऐसी काम करवाइए जो जिसको आपका बच्चा करके खुश होता है। आपके घर में मेड आती है, बच्चा ना मेड के पीछे पीछे भाग रहा होता है। बहुत बड़े बड़े घरों में मैंने देखा है, मैं किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट्स नहीं करूँगी, अमीरी गरीबी की बात नहीं करूँगी, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों के घरों में, जिनके आलीशान घर हैं, जिनके घर में कोई नौकर चाकर की कमी नहीं है, उनके घर में भी बच्चा मेड के पीछे घूम रहा होता है कि ये झाड़ू मुझे दे, मैं लगाऊंगा या मैं लगाऊंगी, और हम ये वाला काम उन्हें नहीं करने देते हैं, और ये सभी घरों में होता है। तो मेड आई, झाड़ू पोछा करके चले गए, आप उसके हाथ में वो झाड़ू दे दो, आपको ये है कि डस्ट लगेगी, कोई बात नहीं, गंदा होने दो, वो नुकसान नहीं करेगी, वो डस्ट उसे नुकसान नहीं करेगी, मोबाइल बहुत ज़्यादा उसका नुकसान कर जाएगा। आप उसको बोलो ये ले तेरे को झाड़ू लगानी थी ना, चल तू लगा झाड़ू, वो कहेगा मुझे पोछा भी लगाना, आप उसको सूखा पोछा दे दो, चल तू पोछा लगा, मैं काम कर रही हूँ, आप उसको वो काम करने दो। छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का बच्चा है, चलना फिरना शुरू कर देता है, थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देता है, आप किचन में काम कर रहे हो, किचन में काम करते करते आपने शाम के डिनर के बर्तन सेट कर लिए हैं कि हमने इन बर्तनों में खाना खाना है। आप स्टील के बर्तन या अनब्रेकेबल बर्तन लीजिए, एक एक उससे बर्तन जो है टेबल पे रखवाइए, जब ये चम्मच रख कराओ, जब ये ग्लास रख कराओ, जो भी उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ बर्दाश्त कर सकें, इस तरह के काम उससे करवाइए, ठीक है। उसकी जो अटेंशन है ना, वो मोबाइल की तरफ नहीं जाएगी, वो बल्कि खुश होगा कि हाँ भाई, मेरी मम्मी तो मेरे को किचन में घुसने ही नहीं देती थी, और अब तो मेरी मम्मी मेरे से काम करवा रही है,
बड़ा बच्चा खुश होता है इस तरह के काम करके। आप जो लड़कियां हैं उनके हाथ में छोटा सा आटे का पीस दे दो, उसको बोलो कि ये ले रोटी बना, बना दे दो कहीं पर भी, वो जमीन पे बना रही है, टेबल पे बना रही है, आपके साथ खड़े होकर बना रही है, उसको बना दे दो। एटलीस्ट वो मोबाइल से तो दूर रहेगी जितनी देर आपके आप किचन में काम करो, आपके आसपास ही घूमता रहेगा बच्चा, मोबाइल से तो दूर रहेगा ना वो। आप उसको कितना बचा रहे हो उस बीमारी, आने वाली बीमारी जो उसको लगने वाली है, इस तरह से आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। 3-3.5 साल का बच्चा होता है, 4 साल का बच्चा होता है, काफ़ी हद तक बातें समझता है और हाथों में भी जान आ जाती है। आप शाम का काम उससे करवाइए, जैसे सपोज आपने आलू उबाले हैं, आलू उबाल के ठंडे करके उसको दे दीजिए और उसको बताइए कि इन आलू को ऐसे ऐसे करके तू छील, ठीक है, उसको छीलना सिखाओ। वो आधे घंटे में 2 आलू छीलेगा, कोई बात नहीं, उसका आधा घंटा निकल गया ना, आप जाओ फटाफट, 2 मिनट लगेंगे आप आलू छील के अपनी सब्जी वगैरह तैयार करो। वो आधा घंटा जो है आपने उसके साथ जस्टिस किया है, अनजस्टिस नहीं किया है। इस तरह से जो आपका बच्चा चाहता है कि ये वाला काम मुझे करना है, आप उसको वो वाले काम करने दो, एटलीस्ट वो मोबाइल से तो दूर रहेगा। दोस्तों आजकल जो है, जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, सारे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह बंद हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस भी मोबाइल पे हो रही है, छोटे से छोटे बच्चे को भी 2 घंटे तक मोबाइल के सामने बैठना पड़ता है। आप ये देखो कि वो उस 2 घंटे में ना बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जो बड़े बच्चे ना 6-6 घंटे तक मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, एक तो इतनी तेज़ रोशनी लगातार उसके आँखों के ऊपर पड़ रही होती है, और मोबाइल एक मतलब बीच में एक लाइन तो है ही ना, एक पर्दा तो है ही ना, मैडम बात कर रही है, मोबाइल से बात कर रही है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी आती है। जब 6 घंटे के बाद बच्चा जब क्लास ख़त्म करके साइड पर होता है ना, तो वो ऐसा निढाल सा पड़ा होता है। वो निढाल क्लास लेने की वजह से नहीं हुआ था, वो निढाल मोबाइल के कारण हुआ था, उसकी वजह से उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, क्योंकि मोबाइल की जो हार्मफुल रेस को वो लगातार बर्दाश्त कर रहा है, उसकी मैडम भी बर्दाश्त कर रही है, वो भी बर्दाश्त कर रहा है। ये मजबूरी है आज की, लेकिन आप मैडम की तो मजबूरी है, मैडम को तो क्लास देनी देनी है, मैडम फिर भी बर्दाश्त कर रही है, लेकिन हमारे बच्चे के अंदर अभी इतना उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो उन चीज़ों को बर्दाश्त कर ले। इस वजह से वो जो जिन बीमारियों से जो आजकल की बीमारियां लग गई हैं, जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है, शुगर मैक्सिमम हो गया, थायराइड मैक्सिमम हो गया, डिप्रेशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, आई सेल जिसको देखो चश्मा चढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, अरे भैया ये बीमारी तो सुनने में ही नहीं आती थी, जो आज हर दूसरे बंदे को आती, वो कहते मुझे चक्कर आ रहे, मुझे रात को नींद ही नहीं आती, फ्रस्ट्रेशन, कोई काम नहीं करना है फिर भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्यों? रीज़न है मोबाइल। दोस्तों आप अपने बच्चे को इस तरह के छोटे मोटे काम, जिस भी बच्चे जिस में भी आपके बच्चे का इंटरेस्ट है, वो करवाइए, क्लास दिलवाइए उसे, उसके बाद उसे होमवर्क भी करना है, उसके बाद आपने उसको मोबाइल नहीं देना है। जिन घरों में दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उन घरों में तो बच्चे काफ़ी हद तक दूर रहते हैं मोबाइल से। इसका रीज़न ये होता है कि दादा दादी नाना नानी बच्चे से कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, या उनके साथ खेलते रहते हैं, या उनको स्टोरी सुनाते रहते हैं, तो वो बहुत हद तक मोबाइल से दूर रहते हैं। जिन घरों में ऐसा नहीं होता है, भाई बच्चों को ही मजबूरी की वजह से कहीं दूर प्रदेश में जाना है, दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करनी है, तो वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे रह रहे होते हैं, वहाँ पर उनको वो वाला सहारा नहीं मिल पाता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कि जैसे वो इन चीज़ों से बचे रहे, तो जो भी उन्हें चीज़ें पसंद है आप उनको वो संभव हो तो वो फैसिलिटीज़ दीजिए, उनको इंडोर गेम्स ला के दीजिए, पजल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, और जो जैसे लड़कियों के गेम होते हैं, लड़कियों वाले गेम ला के दीजिए, जैसे वो खेल कर खुश होए, आधा घंटा दो उन्हें, आधा घंटा उनके नाम पे कर दो, आधा घंटा आपका काम लेट हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप अपने बच्चे के साथ कितना बड़ा न्याय कर रहे हैं। आप उसके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, मोबाइल देखें आप इतना बड़ा जस्टिस कर रहे हैं, आप उसे पता नहीं अनजानी कितनी बीमारियों से बचा रहे हैं। आपको जो बीमारी आपको लग चुकी है, वो बीमारी आपने अपने बच्चे को नहीं लगने देनी है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को इस तरह की ट्रिक्स अपना के मोबाइल से बच्चे को दूर रखिए। जब कोरोना ख़त्म हो जाए,
आप उनके साथ बाहर जाइए, जो हाउस वाइफ है वो बच्चे के साथ बाहर जाए, आउटडोर गेम्स खेले, पार्क में लेके जाए, रन करें, झूले झूले, एक तो फ्रेश एयर मिलेगी, ग्रीनरी के टच में आएंगे, ऑक्सीजन अच्छी भर भर के अंदर जाएगी। जो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन, बच्चा बाहर खेल कर आता है ना, वो बहुत हैप्पी होता है। एक तो प्योर ऑक्सीजन मिल जाती है पार्क में जाके, चारों तरफ ग्रीनरी होती है, अंदर से बच्चा खुश होता है, फ्रस्ट्रेशन से दूर हो जाता है। जब घर बच्चा आता है, थका हारा होता है बच्चा, खाना वाना खाया, होमवर्क किया और वो सो गया। तो आपको इस तरह की कुछ ट्रिक्स अपने बच्चे के साथ अपनानी है, जिससे कि बच्चा जो है मोबाइल की आदत को छोड़े, कम से कम उसके टच में है, वो खुद भी ये सोचे कि यार ये मोबाइल मुझे तभी उठाना है जब मुझे क्लास अटेंड करनी है या जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी। आगे जाके तो आपके बच्चे को बिना मोबाइल के रहना ही नहीं है, क्योंकि सारे काम ही मोबाइल पर होते हैं। तो लेकिन जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो जब जितना उन्हें चाहिए उतना ही मोबाइल दीजिए, इसके अलावा उनको मोबाइल से दूर रखिए। तो दोस्तों, ये कुछ मेरी टिप्स थी जो मैं लोगों को देखती हूँ कि वो नहीं दूर रख पाते हैं। मैंने कुछ टिप्स शेयर की हैं आपसे, अगर आप ऐसा करें तो किसी हद तक आपके बच्चे इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे और आपके बच्चों को ये बीमारियाँ भी नहीं लगेंगी जो आजकल बच्चों को लग रही हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे नए दोस्त हमारी वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है वो आपके पास पहुंचनी शुरू हो जाए और आप भी हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों।